नमस्कार, लाइव खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। तो चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कबूलनामा, कहा जिहादियों को पाक ने ही दी ट्रेनिंग, अमेरिका को भी ठहराया जिम्मेदार। भोपाल में गणेश विसर्जन के दौरान पलटी नाव, 11 शव बरामद, कमलनाथ ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें, गुजरात ने सबसे पहले भारी भरकम जुर्माने को कम करने की घोषणा, कई और राज्य जुर्माने की राशि को करेंगे कम। चंद्रयान 2 इसरो के प्रयास को नासा का सलाम, चांद पर विक्रम के लैंडिंग स्थल की तस्वीर करेगा साझा। चंद्रयान 2 मिशन पर बोले HD कुमार स्वामी, इसरो में PM मोदी की मौजूदगी विक्रम के लिए अशुभ। चेमानंद से SIT ने बीती रात 7 घंटे तक की पूछताछ, अब तक रेप के मामले में FIR दर्ज नहीं। चेमानंद मामले में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा UP सरकार महिला सुरक्षा में रही नाकाम। उत्तर प्रदेश के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, फतेहपुर के थरिया गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का किया निरीक्षण, विकास भवन पहुंचकर किसानों और महिलाओं के साथ की सामूहिक बैठक। खेल मंत्रालय ने पद्म सम्मान के लिए 9 बेटियों के नाम भेजे, मैरी कॉम और सिंधु के अलावा अन्य 7 महिला खिलाड़ियों का नाम पद्मश्री के लिए प्रस्तावित। और सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की फिल्म छिछोरे ने बॉक्स ऑफिस पर की बंपर कमाई, कमाई का आंकड़ा पहुंचा 68 करोड़। और फिलहाल हेडलाइंस में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।